करेंगे। ये जनता दरबार की तस्वीरें हैं जब प्रदेश के अलग अलग कोने से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार में सभी की समस्याएं सुनी हैं और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश भी दिए हैं। तो सैकड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश से लोग अपनी समस्याएं लेकर गोरखपुर में जनता दरबार में पहुंचे हुए थे। गोरखपुर के सिंधी समाज को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही। सीएम योगी श्री झूलेलाल जी के मंदिर का उद्घाटन करेंगे और आज से ही सिंधी समाज के पवित्र चालीसा की शुरुआत हो रही है। गोरखपुर के नए झूलेलाल मंदिर में विधिवत पूजन कर मुख्यमंत्री प्रतिमा का अनावरण कर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में सिंधी समाज को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। श्री झूलेलाल जी के मंदिर का आज विधिवत उद्घाटन होना है। सामने भगवान श्री झूलेलाल जी की प्रतिमा है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी के हाथों इस प्रतिमा का अनावरण होना है। हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी, आज कितना बड़ा दिन है सिंधी समाज के लिए? आज हम लोग का 40वां शुरू हो रहा है। हम लोग 40 दिन व्रत रखते हैं। तन मन धन से हमारे जितने यहाँ बैठे हैं, इसमें करीब करीब आधे आदमी 40 दिन व्रत रखते हैं, वो पालन करते हैं, बचते हैं हर मैंने कुछ संगत वाले काम से, खान पान हुआ, रहन सहन हुआ। 40 दिन कोई बाल साबुन नहीं बनवाता है, लगाता है साबुन। आज मुख्यमंत्री जी के हाथों अनावरण होना है प्रतिमा का, इसके अलावा और क्या कार्यक्रम है? आज वही कार्यक्रम है, मूर्ति का उद्घाटन होगा, पूजा हो गई है, नवग्रह सब हुएगा, मंदिर की पूजा होगी, स्थापना हुई थी, तो उसके बाद आज महाराज जी आएंगे 4 बजे, उद्घाटन करेंगे मूर्ति का। पुरोहित जी भी यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जो पुराना मंदिर था उसके स्थान पर ये नया मंदिर बना है, जमीन भी मुख्यमंत्री जी ने ही दी है। वो क्या था पुराना वाला मंदिर, अब ये नया मंदिर? हाँ, चौड़ीकरण का समय था, उस समय में ये स्थान दिया योगी जी ने, बाबा जी ने, तो आज उनकी वही स्थान नया बना हुआ है। आज पूजा अनुष्ठान हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, समस्त देवी देवताओं का विधि से विधान से अनुष्ठान पूजन हो चुका है। आ जाएंगे बाबा जी और अपने शुभातों से बाबा जी का लोकार्पण करेंगे। चलिए, तो आज एक बड़ा दिन है, पवित्र दिन है, आज से 40 दिन के पर्व की शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों प्रतिमा का अनावरण होना है, उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ब्यूटी जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। गोरखपुर का सिंधी समाज गोरक्षपीठ को अपना संरक्षक मानता है। विस्थापन के बाद गोरखपुर आए इस समाज के लोगों को बसाने और उनके माथे से शरणार्थी का दंश मिटाने में तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ की अहम भूमिका थी। उनके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और फिर वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सिंधी समाज के साथ खड़े रहे हैं। ये सारी जगह खाली थी तो उन्होंने बसने के लिए जगह दी थी और फिर उन्होंने कॉलोनी का कहा कि अपने हिसाब से कॉलोनी बना लीजिए आप लोग, फिर उसको गवर्नमेंट के थ्रू जो उन्होंने अप्रूवल करवाया सारा। मुख्यमंत्री जी हम लोग का बहुत सहयोग करते हैं और हर समय हम लोग के लिए तत्पर रहते हैं किसी भी कार्य के लिए, और कोई भी समस्या रहती है हमारे समाज का, कोई भी जाता है तो मुख्यमंत्री जी बहुत सहयोग करते हैं। उनसे अपेक्षा समझिए वो युवा वर्ग जो भी है वो खुद एक युवा की तरह है और युवा उनसे प्रेरित करके उनकी तरह काम करने की सोचता है।